दोस्तों, पाकिस्तान की कट्टरवादी और मिडीवियल सोच के बारे में तो आपको पता ही है, और रिसेंटली पाकिस्तान असेंबली ने कंट्रोवर्शियल ब्लास्फेमी लॉ यानी कि ईश निंदा कानून को और स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए एक बिल पास कर दिया है। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की सजा 3 साल की जेल थी, लेकिन इस बिल के बाद ये सजा मिनिमम 10 ईयर्स की हो जाएगी और ब्लास्फेमी एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में इन लॉस का इस्तेमाल दुश्मनी और माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ की नॉर्मल जनता पर अटैक्स को छोड़ो, ब्लास्फेमी के केसेस के दौरान इस अनएजुकेटेड सोसाइटी में वकीलों और जजेस को, इवन मिनिस्टर्स को लिंच कर दिया जाता है। और दोस्तों, ये नया बिल शिया माइनॉरिटी को मद्देनजर रखकर पास किया गया है, जैसे कि करबला की रिमेम्बरेंस में शियाज फूड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग शियाज का ये एक्ट ब्लास्फेमस है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ये सब इकोनॉमिक मुद्दों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।